हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। मैं आपका आकाश सर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोगिक में। तो बहुत बड़ी खुशखबर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। जिन जिन बच्चों ने बीएससी या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की एंट्रांस एग्जाम दी थी, उस एंट्रांस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आज डिक्लेयर हो गया है। तो वो देखने के लिए हमें कहाँ जाना है, देखिए ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एसपीपीयू कैंपस एडमिशंस देखेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए ओबीई रिजल्ट फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आएंगे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि दिस इज नॉट द मेरिट लिस्ट, इट इज ओनली द रिजल्ट ऑफ ओबीई। मतलब आपको कितने मार्क्स मिले हैं 100 में से, सिर्फ उतना ही दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप आपके यूजर नेम वाइज देख सकते हो, यहाँ पे आप एप्लीकेशन आईडी जो होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास तो किसी का यूजर नेम किसी का आईडी नहीं है, तो हम प्रोग्राम वाइज आते हैं। अगर मैंने प्रोग्राम में क्लिक किया तो प्रोग्राम वाइज भी देख लीजिए कि कैसे है, कितने मार्क्स है। अगर यहाँ पे हमने बीएससी देख लिया तो बीएससी इज ब्लेंडेड फिजिक्स केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी के बारे में। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आपको ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी दिए हुए, नाम नहीं है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी दिए हुए है, उसकी कैटेगरी, डोमेसाइल और यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे उसका दिव्यांग वगैरह है क्या, फिजिकली हैंडीकैप, और यहाँ पे टोटल मार्क्स। अब ये पहला ही बंदा जो है 104 ओपन कैटेगरी एबसेंट था। सो यहाँ पे मार्क्स दिए देखिए 67, 48, 73, 75, 73, 78, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं, 67, 48, ओके। सो 78 का हाईएस्ट मार्क था। तो अब यहाँ पे इस नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो कि वह मेरा नंबर लग सकता है कि नहीं, ओके। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाद में। सो बाद में मेरिट लिस्ट भी आएगी आपकी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ डिपार्टमेंट, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट लगे। चलो यहाँ पे जाता हूँ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कंपटीशन है क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों ने जो है वो एंट्रेंस एग्जाम दे दी है। चलो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया माइक्रोबायोलॉजी वाला। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो कितने बच्चों ने एग्जाम्स दिए, बहुत सारे बच्चे जो है एबसेंट भी है, कुछ को तो बहुत कम मार्क है, देखिए 4.25। तो इन बच्चों ने तो छोड़ ही देना है कि हमारा नंबर लग जाएगा, ओके। जो बच्चे 50 के ऊपर है या 60 के ऊपर से, उनके बहुत होप है कि उनका नंबर लग सकता है। अब डिपेंड्स कि कितने जगह है यूनिवर्सिटी में और किस कैटेगरी में कितनी जगह जाती है, ठीक है। सो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं, यहाँ पे देख रही है, ओके। सो बहुत लंबी लाइन है ये माइक्रोबायोलॉजी के लिए। देखिए वैसे उतने एबसेंट भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है निगेटिव में गए हुए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप आपके एप्लीकेशन आईडी के हिसाब से आप जो है वो आपको कितने नंबर्स मिले हैं वो देख सकते हो। सो ये बहुत ही लंबी लाइन है, देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो बैठे थे एग्जाम्स के लिए। सो मेरिट लिस्ट है वो भी एक दो दिन में पब्लिश हो जाएगी, ओके। फिर अगर हम बात करें तो फिजिक्स है, वायरोलॉजी है, ओके। शायद यहाँ पे मुझे जूलॉजी का नहीं दिख रहा है, बट वो भी होना चाहिए। रेपलर्स एविएशन इंटीग्रेटेड, एम टेक सिविल, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स, अंबेडकर थॉट्स इन नेशनल सिक्योरिटी, और देन एमए इकोनॉमिक्स, एमए एजुकेशन, एमए इंग्लिश हिस्ट्री, ओके।
पब्लिक पॉलिसी, मराठी, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एमकॉम। ओके, एमकॉम के लिए भी बहुत बच्चे होंगे, ठीक है। सो एमकॉम का भी लिस्ट जो है वो लग गया है, ठीक है। ये वाला जो है वो एमकॉम का है, तो इसमें भी बहुत बच्चे हैं। ओके, देन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, देन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री का रिजल्ट लगा है, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत बच्चे हैं। कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस, एमएससी हेल्थ साइंस, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी फिजिक्स, एमएससी वायरोलॉजी, ये एक है। चलो, ये आ गया वायरोलॉजी के लिए। वायरोलॉजी के लिए भी बच्चे, बहुत बच्चों ने एंट्रेंस दी है। सो उसमें भी जो बच्चे 50 के अबाव है, ओके, वो उनका फिक्स हो जाएगा। सिर्फ उनमें ज्यादा कैंडिडेट्स ना हो उनके कैटेगरी में, सो मेरिट लिस्ट भी जो है वो जल्द से जल्द लग जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे लास्ट वाला जो नंबर है वो 68.75 वाला है। चलो, इसके बाद भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। देखिए, एमटेक डेटा साइंस भी आ गया है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ लॉज, पब्लिक हेल्थ। सो इनमें सो कुछ जूलॉजी, बॉटनी, इसके रिजल्ट पेंडिंग है, वो आज अपलोड हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। सो ये सिर्फ रिजल्ट है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये मेरिट लिस्ट नहीं है। मेरिट लिस्ट जो है वो 2-3 दिन में फाइनलाइज हो जाएगी, ठीक है। सो मेरिट लिस्ट या उसका कैसे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, फिर एडमिशन प्रोसेस कैसे है, इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नोटिफिकेशंस होंगे मैं आपको जल्द से जल्द आपके सामने ला दूंगा। थैंक यू वेरी मच।